सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम रविंदर सिंह है और आशा करता हूँ कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल पर चल रही होगी। तो चलिए गाइज, आज अपन डिस्कस करेंगे डे 13 में अपने पास कौन कौन से टारगेट्स हैं। तो सबसे पहले अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो रिविजन अपना अप्रैल कंप्लीट हो गया, अब मई पर अपने चलते हैं। 1, 2 एंड 3 मई का अपने को रिविजन करना है। दो सोर्स अपने को फॉलो करने हैं, कौन कौन से, अफेयर्स क्लाउड एंड स्टडी IQ। एंड इसके बाद अगर मैं प्री के मॉक की बात करूं तो सुबह सुबह अपने को प्री का मॉक लगाना है एंड इसके बाद 5 मिनट बाद इसका अच्छे से एनालिसिस करना है। अभी जब अपने पास 10 दिन बचेंगे तो अपने दो मॉक लगाएंगे। अभी एक इसलिए मैं लगवा रहा हूं क्योंकि अपने साथ साथ क्विज चल रही है, क्योंकि क्विज देने से टाइम स्पीड अच्छी बनती है अपनी। एंड इसके बाद अगर मैं मेंस की इंग्लिश की बात करूं तो अच्छे से एक मॉक देना है मेंस का, फिर एनालिसिस करना है, फिर उसकी ग्रामर लिखनी है एंड वो कैब लिखनी है। ग्रामर एंड वो कैब के नोट्स बनाया करो, क्योंकि ये चीजें रटने से अपने को याद नहीं होगी। ग्रामर लिखा करो एंड वो कैब भी लिखा करो। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूँ मेंस की रीजनिंग की, 2 दिन अपनी मेंस की मैथ चली थी तो आज मैं मेंस की रीजनिंग की बात करूंगा। तो ब्लड रिलेशन बेस्ड अपने पजल करनी है, 10 सेट्स करने हैं ढंग के। अगर अपने 10 क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, वो 100 क्वेश्चंस इजी के इक्वल होगा। तो 10 सेट्स कर लेना, 50 क्वेश्चन, तो आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो SI एंड CI अपना टॉपिक बेस क्लियर हो गया था, और इस पे DI भी आती है। तो आपको 5 DI करनी है, ओनली 5 सेट लगाना, 25 क्वेश्चंस, आपका ये पूरा दोनों के दोनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके बाद अगर मैं बात करूं क्विज टाइम अपना आ गया है, तो अड्डा एंड ग्रेड अप की अपने को क्विज देनी है, दोनों की दो दो। एंड सबसे लास्ट में अगर मैं बात करूं तो डेली करंट अफेयर, सबसे पहले कोई भी वीडियो अपने को देखनी है, देन फिर सोने से पहले अफेयर्स क्लाउड की अपने को PDF पढ़नी है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है तो करके मैं इधर ही A4 साइज पे पेज पे टारगेट्स बना के आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी स्टडी हैम्पर ना हो। तो अच्छे से देख लीजिए, अपने ये टारगेट्स हैं तो अच्छे से इन्हें फॉलो कीजिए। 40 दिन बाद आपको आपने रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि मैं भी ये टारगेट ही फॉलो करता था तो अच्छे मेरे नंबर भी प्री में भी अच्छे बने और मेंस में भी अच्छे बने। तो चलिए मिलते हैं डे 14 के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय गाइस।